आपके भाई रणवीर ने टी आर एस क्लिप्स हिंदी की शुरुआत की है क्यों आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए यह इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे स्मार्ट क्लिप्स चैनल टी आर एस क्लिप्स हिंदी सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकॉन प्री इंडिपेंडेंस भारत यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पाकिस्तान और प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के कहानी के बारे में जो लोगों को जानना चाहिए टू तो एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड लोगों को यही जानना चाहिए कि हम एक ही लोग हुआ करते थे हमारे ऑरिजिन एक ही है ऐसा uh, बहुत लोग कहते हैं कि जो हमारे जो मुसलमान हैं हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो इन्वेडर्स के डिसडेंट्स हैं ये बिल्कुल नहीं है अगर आप जेनेटिक एविडेंस को देखेंगे तो दे आर द सेम है सास पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग अपना जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं ट्वेंटी थ्री एन मी ऐसा कुछ तो आता है अलग अलग ऑनलाइन टेस्ट आप करवा सकते हो सो so, जेनेटिकली हम एक ही लोग हैं हमारा हमारा पास्ट वही एक ही है हमारे पूर्वज भी सेम है लेकिन बिकॉज ऑफ दी इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री आज हम अलग अलग बट गए हैं लेकिन वी नीड टू फाइंड अव टू गो फॉर्ड टूगेदर यही कहूँगा मैं सर दोनों इंडिया और पाकिस्तान के फ्रीडम हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में शायद सबसे दो इम्पॉर्टेंट इंसान आ, महात्मा गांधी जी थे और मोहम्मद अली जिना साहब थे सर तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों की लेगेसी क्या है इंडिपेंडेंस के बाद मतलब इसी एपिसोड में मैंने आपको उनके इंटेंशंस के बारे में पूछा तो उसी सवाल का एक एक्सटेंशन सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है उनकी लेगेसी क्या है क्योंकि पाकिस्तान के नोट्स पर जिना साहब के फोटोज छपते हैं इंडिया के नोट्स पर महात्मा गांधी के फोटोज छपते हैं बट समे ब्रिटिशर्स का भी हाथ रहा है इन चीजों में कि इतिहास इन दोनों इंसान को कैसे याद रखेगा और स्कूल्स में इन दोनों इंसानों के बारे में क्या सिखाया जाएगा आ, लोगों के दिलों में इन दोनों इंसानों को लेकर क्या राय होगी पर आपके अकॉर्डिंग एज अ न्यूट्रल हिस्टोरियन मतलब आप बस ऑब्जेक्टिवली इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंटली आप क्या कहना चाहोगे अगर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें और सोचें कि आज आज से सौ साल बाद अगर कोई हिस्टोरियन या हिस्टोरियंस इस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को एग्जामिन करेंगे तो उनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा आज हमारा काफी इमोशनल अटैचमेंट आज भी है हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो इमोशनली सोचते हैं आई फील कि यंगर का थोड़ा कम है। थोड़ा कम है अच्छी बात है आई थिंक कि मिस्टर जिन्ना का लेने से पहले देखते हैं मिस्टर जिन्ना ने एक कंट्री को जन्म दिया से। वो आज एक फेल्ड स्टेट है अनफॉर्चुनेटली आज वहाँ पर डिक्टेटरशिप है आर्मी रूल है आई एस आई रूल है डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है बहुत प्रॉब्लम्स है और उनके स्वयं के जो का जो फैमिली वो वहाँ नहीं रहा सो मिस्टर जिन्ना का लेगेसी यही है ही क्रिएटेड अ फेल स्टेट विच इज विच इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ जनरल्स और कुछ नहीं वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो ये सब हो इट विल बी पता नहीं क्या टर्म यूज़ करते थे लाइक यूटोपिया राइट यूट्यूबर तो बना नहीं इट बिकम द अपोजिट ऑफ यूट्यूब है इट इज बिकम अ हेल्थ फॉर द पीपल आई थिंक हमारे पाकिस्तानी दर्शक भी ये जानेंगे आई मीन एक्सेप्ट करेंगे कि उनके देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है इट इज इट इज इन अ बैड कंडीशन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आप मिस्टर गांधी का लेगेसी देखेंगे तो उनका लेगेसी असेंशली है मिस्टर नेहरू एंड हिज रूल और एंड हिज पार्टी रूल सो मिस्टर गांधी ने अनडेमोक्रेटिकली मिस्टर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था जब प्राइम uh, मिनिस्टर का चॉइस करने वाले थे तो देर वॉज अ डेमोक्रेटिक वोट इन द कांग्रेस पार्टी और ओवरवेलमिंगली सब ने वोट किया था मिस्टर पटेल के लिए और मिस्टर नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था लेकिन मिस्टर गांधी ने ऐसा कहा कि मैं फास्टिंग uh, करूंगा फास्ट अंटिल डेथ तो आप एक्सेप्ट कीजिए मिस्टर नेहरू को फिर मिस्टर पटेल ने भी कहा कि मैं मिस्टर नेहरू को एक्सेप्ट करता हूँ एंड दैट्स हाउ दिस थिंग दिसप्ड क्यों लॉजिक क्या था आई थिंक द ब्रिटिश लाइक मिस्टर नेहरू मोर देन मिस्टर पटेल मिस्टर पटेल डेफिनेटली मिस्टर गांधी के राइट हैंड मैन थे लेकिन ही वॉज मच मोर नेशनलिस्टिक एंड पेट्रियोटिक और वो एक रियलिस्टिक व्यक्ति थे उन्होंने पूरे भारत को यूनिफाई तो किया अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट किया बाई हुक और बाई क्रुक इन टू द इंडियन यूनियन सो ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग विल्ड पर्सन बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे और बहुत पेट्रियोटिक तो थे ही मिस्टर नेहरू मैं नहीं कहूँगा कि नॉट पेट्रियोटिक patri नहीं थे लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे अनफॉर्चुनेटली पर उनके पीपल स्किल्स बहुत बढ़िया थे शायद सबके कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स uh, होते हैं मैं उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हाईलाइट नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि शायद इसकी वजह से

नाइनटीन में अपने को हमको फोर्सिबली लिबरलाइजेशन uh, करना पड़ा क्योंकि हम बैंक्रप्ट हो गए थे तब से हमारा इकोनॉमिक और ग्राफ अलग डायरेक्शन में गया है लेकिन उसके भी अलग प्रॉब्लम्स आए हैं सो बोथ ऑफ दिस लेगेसीज आर नेगेटिव अगर मैं हम कंपेयर करेंगे तो मिस्टर जिन्ना की लेगेसी ज़्यादा नेगेटिव है क्योंकि उनका कंट्री अनफॉर्चुनेटली फेल्ड स्टेट के ब्रिंक पर पहुँच गया है इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाई फोर्स बाई द आर्मी बलोचिस्तान में बहुत ही uh, बहुत ही uh, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है यू कैन सी द न्यूज़ एवरीडे पश्तूनिस्तान में बहुत ही ये सेंटिमेंट है कि हम अलग हो जाए पाकिस्तान से सिंध में बहुत वर्षों से डिकिज से है जी ए सिंध मूवमेंट तो एक्चुअल जो पाकिस्तान है वो पंजाबिस्तान है कश्मीर भी उनका ऐसा नहीं है कश्मीर को कश्मीर का थोड़ा पार्ट उन्होंने लिया है बिकॉज द ब्रिटिश अलाउड टू डू इट एंड मिस्टर एंडहरूट अलाउड दैट तो पाकिस्तान एक्चुअली इट्स नॉट लॉन्ग टर्म टेनेबल स्टेट और ये उनके नागरिकों के लिए बहुत ही दुख की बात है बिकॉज दे हैव डन नथिंग रॉन्ग बट दैट्स हाउ इट इज